टाइप नंबर बी, निम्न के मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 0.0001 की पावर 0.25। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, न्यूमरेटर इसको ये क्या दशमलव में दिया है, तो इसको पहले परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1/1, 2, 3, 4, 1 लिख करके 4 0 दशमलव काउंट कर लेने, कितने अंकों बाद दशमलव, 4 अंकों बाद है, 4 0 कर देंगे, ठीक है। देन इसके बाद उसकी पावर लिख देंगे जितनी भी होगी, पावर कितनी है 0.25। देन अब क्या होता है कि यहाँ पे काउंट करते हैं 1/1, कितने, ये 10 हो गया, 1, 2, 3, 4, 10 की घात कितनी हो गई 4, यहाँ लिख देंगे, ठीक है ऐसे, और 0.25। फिर से जैसे 10 की घात 4 है, अगर हम 1 की घात भी 4 कर दें तो दोनों सेम हो जाएगा, 1 की घात 4 करो या 1 की घात 100 करो, उसका मान क्या आएगा, एक ही आएगा। तो हम इसको लिख देते हैं 1 की घात 4 और 10 की घात 4, दोनों को सेम बना दिए 0.25। देन अब दोनों की पावर सेम है तो लिखेंगे 1/10 की घात कितनी हो गई 4 और इसकी घात कितनी हो गई 0.25। अब यहाँ पे एक रूल काम करेगा जो मैंने इससे पहले पढ़ा है, x की पावर अगर m हो और इसकी पावर n हो तो क्या होता है, घात की घात अगर हो, ये घात हो या घात की घात, पावर की पावर, तो पावर का आपस में इंटू हो जाता है, तो यहाँ पे ऐसे ही इंटू कर देंगे। तो 1/10 की पावर कितनी हो जाएगी 25, 25 से गुणा 4 में 25, 100 हुआ। इसके बाद देखेंगे दशमलव कितने अंक बाद, 2 अंक बाद, तो यहाँ लगा देंगे, तो कितना है 1 की घात 10, 1/10 की घात कितनी होगी 1, तो इसको एक बार लिख दीजिए, तो एक बार लिख दिए। अब 10 के 1 में भाग करेंगे तो 10 में कितने 0 हैं, 1 0 है, मतलब दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, 1 अंक बाद, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.1। ओके, अगर ये टाइप आप अच्छे से सीख लेते हैं तो 9th का 1.6 आपसे अच्छे से बन जाएगा, 1.6 बनेगा ही बनेगा 9th NCERT का। क्वेश्चन नंबर 2, सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही करने वाले हैं, 81, तो 81/ काउंट करें 1, 2, 3, 4, 4 अंकों बाद दशमलव, तो एक हमेशा रहता है परिमेय संख्या में, ठीक है, इसके बाद पॉइंट काउंट कर लें तो 4 अंकों बाद दशमलव, तो 4 0 की पावर कितनी लिख देंगे 0.5। फिर से वही, यहाँ 81 लिखा था, 81 के एलसीएम निकाल लेंगे, कितने का है 3 27 3 9 3 3 और 3 1, यानी 3 की घात कितनी हुई 4, ठीक है 3 की घात 4 हो गई, और 10 की घात यहाँ कितनी हो गई 4, क्योंकि 10 1 2 3 4 हैं, तो 10 की घात 4 हो गई, ठीक है। देन फिर से वही करेंगे, जब किसी परिमेय संख्या के अंकों की पावर सेम हो तो उनको एक ही लिख दिया जाता है, दोनों की पावर सेम है, और इसकी पावर कितनी हो गई 0.5। देन अब क्या करेंगे, इंटू कर देंगे घात का घात में, वही फार्मूला, एक्स की पावर एम और की पावर एन हो तो क्या करते हैं, एक्स एम डॉट एन इंटू कर देते हैं, कर दीजिए तो 4 5 20, 3/10 की घात कितनी हो गई 20 हो गई, 4 × 5 में 4 5 20, 1 अंक बाद दशमलव, तो 1 अंक बाद दशमलव लगा दिए। अब क्योंकि 2.0 तो 0 हट जाएगा, तो कितना बचेगा, 3/10 की घात कितनी हो जाएगी 2, मतलब इसको कितने बार लिखना है 2 बार, तो 3/10 × 3/10, 9/100, अब जब 9/100 हुआ तो हम 9 लिख लिए, 100 का भाग करेंगे, 100 का भाग करने के लिए इजी प्रोसेस क्या है, देख लेंगे 0 कितने हैं, 1 2 0 हैं, मतलब जब 2 0 हैं तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो 1 अंक है, 1 0 लगा के ऐसे लिख देंगे, तो इसका सोल्यूशन जो होगा करेक्ट सोल्यूशन 0.09 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही 64, और काउंट करेंगे 2 2 4 2 6 की घात कितनी हो गई 2 2 4 6 की घात कितनी 2/3। अब यहाँ से 64 के एलसीएम निकालेंगे, पहले 2 32 16 8 4 2 1, 2 की घात कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6, यहाँ 2 लिखना था, तो 2 की घात 6 हुई, और यहाँ पे 2 2 4 2 6, 10 की घात भी 6 है, तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है पहला काम ये हो गया, और उसकी पावर 2 की घात 3 हो गई। देन जब इतना हो जाए, ये पावर है 2/3, तो फिर से अब जब दोनों की घात सेम है तो 2/10 की घात कितनी हो जाएगी 6, की घात कितनी हो जाएगी 2/3, फिर से वही
घात की अगर घात हो तो घातों का आपस में इंटू हो जाता है, तो 2/10 और 6 × 2/3 हुआ, ठीक है, 2/10। अगर चाहें ये कटे तो काट दें, नहीं कटना, नहीं काटना हो तो अंश का गुणा कर दें, कट जाएगा वैसे काट देंगे तो, बट देखिए थोड़ी लॉन्ग मेथड था, 6 × 12/3, अब काट दें, 2/10 की घात कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। अब 2/10 की घात 4, मतलब 2/10 को 4 बार लिखिए और इंटू कर दीजिए, यह ऐसे, ठीक है। तो 2 × 4 × 8 × 16, और ये कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 0। तो अब 4 अंकों बाद दशमलव आएगा, 1, 2, 3, 4 हैं, तो 1, 2, 3 और ये 4। जब पूरे आपको पॉइंट ना मिले, जैसे 4 अंक चाहिए थे दशमलव के लिए, तो हमने क्या किया, उतने 0 लगा लिए, 2 अंक थे और 2 0 लगा दिए, ओके। और इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा थर्ड कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको देते हैं, आप करें इस क्वेश्चन नंबर 4 को 1, 2, 3 के जैसे करके दिखाएं, ठीक है ना। तो ये रहे क्वेश्चन आपके लिए, पहला क्वेश्चन 0.01024 की पावर 1/5 का मान ज्ञात करें, दूसरा है 16 की घात 3/4 का मान ज्ञात करें, तीसरा है 36 की घात 1/6 का मान ज्ञात करें, और चौथा है 8 की घात 2/3 का मान ज्ञात करें, ओके।